रुशेल और कीथ हमारे साथ में है आज एक स्पेशल कहेंगे रिचुअल के लिए है, जो कि उनका एक फेवरेट रिचुअल है ये। रुशेल क्या है ये पहले तो, अगर आप लोगों के यहाँ और कोई नहीं है तो आप मास्क निकाल सकते हो। ओके कूल। एक्चुअली ये ना एक पुराना ट्रेडिशन है क्रिश्चियन होम्स में कि एक्चुअली हम लोग, आई एम श्योर आप सब लोग क्रिसमस केक कहीं ना कहीं वुड हैव ट्राइड इट। तो क्या होता है, ये केक ना नॉर्मल केक्स के जैसे एक दिन में नहीं बनते, उसको एक महीने के लिए या दो महीने के लिए वो केक मिक्स करके रखना है। और जैसे आप रखते हो उसमें ये सब फ्रूट्स और स्पाइसेस जो हम डालते हैं ना, वो एक्चुअली पूरा अब्जॉर्ब होके ऑलमोस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं, लाइक उसका अंदर भरने के लिए केक के अंदर भरते हैं उसको, तो उसका फ्लेवर, उसका जायका अलग से हो जाता है, क्रिसमस टाइप फ्लेवर आ जाता है, वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है और आपको अलग अलग टेस्ट, आई मीन अलग अलग चीज़ का फीलिंग नहीं आता है, वो एक मिक्स्ड ब्यूटीफुल स्पाइस टेस्ट आता है जो हम क्रिसमस केक या क्रिसमस पुडिंग बोलते हैं दोनों। और उसमें बता देंगे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है रम, रम ब्रांडी में सोक करके बनाते हैं, तो क्या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं अलग अलग किस्म के, तो वो रम के अंदर सोक करके एक महीने के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद वो केक में यूज होता है। एंड डोंट वरी, इससे कोई क्या नशा नहीं होता, नशा उसमें से शराब ना था, नशा नहीं करने वाली क्या बात है, वो तो खराब बात है नशा होना। हम लोग when we were kids also we used to eat, so obviously that's it, just the taste it's really yum. जैसे हम वाइन बनाते हैं ग्रेप से, तो ये सब यू नो ड्राई फ्रूट्स और व्हाट इज दिस क्रैनबेरीज, पिस्ता, आमंड, ये सब चीज ना, दिस इज सिनेमन आई थिंक। ओके, ये सिनेमन है, ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, और बाकी ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें अलग अलग नटमेग, ऑरेंजेस और लेमन्स को एक दो महीने के लिए इसको सुखाया जाता है और इसके जो जूसेस होते हैं शुगर में इसको रखा जाता है, तो उसका जो महक अलग होता है वो केक में आ जाता है। और हम लोग ना, हमारा घर में ये केक एक्चुअली टिन में डाल के बंद हो जाता है कबर्ड में, और उसको हम लोग वेट करते हैं ये कबर्ड कब खोलने वाला है और हम लोग कब टेस्ट करने वाला, लेकिन मतलब एक महीने के इंतजार के बाद ये आपको जो है फल कहेंगे केक स्वरूप मिलेगा, वो भी जब तक गेस्ट घर नहीं आते तो गेस्ट के लिए रुकना पड़ेगा। फल मीठा होता है, तो बस उसी वजह से। और ये बहुत पुराना ट्रेडिशन होता है सारे क्रिश्चियन होम्स में, क्योंकि इससे क्या होता था कि पुराने ज़माने में सब एक साथ आके बैठ के मिल के गाने गा के वो चीज़ें बनती थी, तो एक माहौल सा बनता था क्रिसमस के पहले, तो तैयारी सेरेमनी के लिए सब लोग इकट्ठा होते थे। तो जैसे कि दिवाली में भी होता है कि हम सब लोग को स्वीट्स बेचते, वैसे हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन वन मंथ के लिए जो भी लोग घर आते, चाहे आपका घर में काम करने वाले लोग या गेस्ट या फ्रेंड्स फैमिली, सब लोग जो आते हैं उनको केक, कलकल, वाइन, ये सब चीज़ हमेशा देना है, ऐसा लाइक यू कांट कम होम, हाँ यू कांट कम होम विदाउट ईटिंग दिस। मेमोरीज कोई खास जो इसमें कभी कुछ हुआ हो? आई थिंक बचपन की मेमोरीज इसलिए ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि जो आपके परिवार के जो सदस्य होते हैं जो आपके साथ शायद नहीं है अब वो निकल गए, तो वो सारी मेमोरीज और फिर उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो आगे जनरेशन में बढ़ जाती है, तो एक फैमिली ट्री की जो कहानी होती है वो आगे बढ़ती जाती है। और मेरे ख्याल से मेरे लिए जो सबसे, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बहुत ठंड होती थी उस टाइम दिसंबर के महीने में, तो हम लोग बैठ के, और उस टाइम हीटर वगैरह ज़्यादा इतना चलता नहीं था, तो ठंड में बैठ के जहाँ पे आग लगी होती थी उसके पास ज़्यादा सुकर के वो अपना सब चीज़ें मिक्स करके बनाते, तो झगड़ा सा हो जाता था सबका कि मुझे पास में बैठना है। और एक चीज़ ये भी है कि रम में सोक करते, लेकिन जब हम खाते हैं ऊपर से ब्रांडी डाल के हम उसको कभी कभी आग भी लगाते हैं, तो वो आग में सिर्फ वो आग बनाने के लिए डालते हैं बेसिकली, और वो टेस्ट के लिए, सो उस वक्त हम लोग सब लाइक विल बी वेटिंग यू नो वो कब करने वाले, इट्स लाइक अ होल ट्रेडिशन। एंड आई थिंक मेरा तो याद मेरा ग्रैंड मॉम का है, क्योंकि वी यूज टू स्टील फ्रॉम हर लाइक साइड से जो भी है, हाँ चोरी करके लाइक नट्स और रेजन्स और ये सब, हम पिटा थप्पड़ ये सब सभी खाने को मिलता, हाँ लेकिन वो और कलकल्स भी एक
देयर इज वन स्वीट कॉल्ड कलकल्स, उसमें शुगर में वो टॉस करके रखते हैं एक बड़ा डब्बा में, तो हम लोग मैदे का बनता है वो, तो उसको पकाते हैं मैदे को, उसकी छोटी छोटी पेस्ट्री जैसी बनती है और उसके ऊपर चीनी डाल के उसको रखा जाता है, फिर जब आप खाते हैं उसको, क्योंकि वो चीनी और जो सब मिक्स होके उसका बहुत बढ़िया सा बनता है, टेस्ट इज टू गुड। और दूसरी बात, हम लोग वेट करते थे ये सीजन कब खत्म होने वाला है, क्योंकि सीजन खत्म होने वाले के बाद जो बच्चा होगा ना नीचे, बच्चों में आ रहा था। हाँ, सिर्फ उसमें सिर्फ चीनी होता है और मैदा बस, बट हम लोग को उसको इतना पसंद आता है। हेल्दी डाइट तो ऑब्वियसली सब बच्चे उस टाइम करते ही थे, तो सबसे हेल्दी चीज है चीनी खाओ और जो पीछे सब बचा हुआ है वो सब खा जाए। एक बार फिर बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और केक मिक्सिंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख रहे सारी चीज़ें खाली हो गई है, खाली हो गई, लेकिन इसके अंदर चला गया क्या हम लोग पी लिया वो पता नहीं कहाँ गया, कहाँ है, पेट में गया या बोल में गया, अभी तक पता नहीं है। नहीं, ये बोल के अंदर सारे मिक्स हो गए, अभी इसको रखना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा इसमें अल्कोहल इससे डलता है क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, तो बाकी जो बच जाता है वो उसके अंदर चला जाता है सामान के अंदर। ये क्या है ना, अल्कोहल में बेसिकली शुगर है, तो एक महीने के बाद वो अल्कोहल सब चला जाता है, सिर्फ वो शुगर और वो फ्लेवर सब रहते हैं और बहुत बहुत यम्मी है। उसके ऊपर आप आइसिंग भी डाल सकते हैं, वो वेडिंग केक्स के लिए करते हैं, यम्मी। तो बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिसमस, तो घर में भी कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम होने वाला है हमारे यहाँ पे इस साल तो नहीं, खैर लेकिन कभी कभी करते हैं, हर साल डिपेंड करता है, यहाँ पे होते हैं तो करते हैं। अभी पेंडेमिक है, कोविड के कारण गैदरिंग्स नहीं कर सकते, काफ़ी हर चीज़ों को रेस्ट्रिक्टेड है। नॉर्मली ये चीज़ मम्मी के स्केड्यूल पे चला जाता है, तो दैट्स द वन टाइम व्हेन सब लोग एक साथ आ जाते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं मिक्सिंग के लिए, और दूसरा वो कलकल्स, रोसी कुकीज़, गुआवा चीज़, ये सब बनाने के लिए सब पूरा फैमिली, सम पीपल विल बी फ्राइंग, सम पीपल विल बी रोलिंग, ऐसा यू नो इट्स लाइक पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। पहला ये मम्मी बन जाएंगी तो फिर ये ट्रेडिशन शुरू हो जाएगा इनका भी। शायद तो बस ये खुशखबरी हम कब सुन रहे की मुझे पता था कि आपको ये अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन पता हो जाएगा शुरू, मतलब देखते हैं। अभी तक नहीं, बट या आई थिंक आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस ट्रेडिशन विद माई ओन फैमिली। एक्चुअली ऑर्डर ऐसे होता है, पहला कुकिंग, फिर नेक्स्ट फेज डेकोरेशन, और फिर आफ्टर दैट पार्टी टिल क्रिसमस। सो आई रियली मिस इट दिस ईयर डेफिनेटली। मुझे एक्चुअली हम लोग नॉर्मली दिल्ली जाते थे किड्स का पापा के साथ, नहीं तो हम चेन्नई जाते थे, तो इस बार बहुत फनी लग रहा है एक्चुअली मुंबई में, और देखते हैं आ जाएंगे बिना फैमिली के। तो इस बार में भी दोस्तों के साथ हम कुछ बनाने वाले हैं, पता नहीं, विल सी। थोड़ा सा अजीब है इस साल क्योंकि काफ़ी मतलब किसी को पता नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन देखते हैं जिससे मिल सकते हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करके मिलेंगे, और खुशी तो दिल में होती है लेकिन बाहर भी दिखानी होती है ज़रूरी कभी कभी ना कभी, तो देखते हैं थोड़ा बहुत मिलेंगे दोस्तों वोस्तों के साथ। आई थिंक सब चीज़ बुरा नहीं है, लेकिन जैसे कि आज मैंने पढ़ा न्यूज़ में कि बहुत सारी स्टेट्स दिवाली के लिए ये क्रैकर्स बैन कर दिया,
इट्स सो गुड समझदार हो गए कि एनवायरनमेंट कोविड के वजह से एक्चुअली जो चीज हम यू नो 10 साल से हम स्कूल में बोलते थे फायर क्रैकर्स आर नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, लेकिन सब लोग बोलते कि अरे यार कैसे बंद कर सकते, दिवाली ये दिवाली कैसे होगा इसके बिना, अभी हो रहा है ना. दिवाला होने के बाद ही अभी सबको समझ आया है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. सो आई थिंक अच्छी चीजें भी हैं और उसमें फोकस करके हम लोग सब थोड़ा सा पॉजिटिव होना है. क्रिसमस है और 2020 कदम हो जाएगा. सबने बोला हैप्पी न्यू ईयर, अभी हम बोल रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर जल्दी आ जाए ताकि वो नया साल हैप्पी एंड ईयर. हैप्पी एंड ईयर. कैमरा नितिन के साथ नुपुर मौर्य, मुंबई आज तक.